माननीय विश्वंभर प्रसाद निषाद जी। माननीय साहब उपसभापति महोदय, राष्ट्रीय और संरचना वित्त पोषण और विकास बैंक विधेयक 2021 के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ बोलने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसमें जो माननीय हमारे जयराम रमेश जी ने विस्तार में सारी बातें रख दी हैं, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बिल है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात कही गई है कि इसके लिए न तो कैग जाँच करेगी, न सीएजी जांच करेगी, न ईडी करेगी, न पार्लियामेंट की पीएससी कमेटी जांच करेगी, इसलिए इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। चूँकि महत्वपूर्ण बिल है और सरकार ने कहा है कि हम इसमें 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी आधार के साथ और 3 साल में 5,00,000 करोड़ रुपये का ऋण देने का लक्ष्य रखा है, और इन्होंने पहले भी यहाँ जो DFI थे, IFCI और ICICI और IDBI, अब ये जो बैंक हमारा ये संस्थान DFI स्थापित हो रहा है, इस संस्थान में निवेशकों से धन जुटाने के संबंध में छूट देने का प्रावधान है। इस विधेयक में बुनियादी विकास के ढांचे को मजबूत करने की बात कही गई है, लेकिन जो देखने मिला है कि बैंकों के निजीकरण पर जनता का विश्वास नहीं है। बैंकिंग व्यवस्था किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की नींव होती है। यदि बैंकों को नुकसान होता है तो प्रत्येक व्यक्ति पर असर पड़ता है। देश में तमाम ऐसे मामले आए, आज देखने मिल रहा है, तमाम जैसे नीरव मोदी, मेहुल चौकसी ने PNB में 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान पहुँचाया, विजय माल्या ने 1,000 करोड़ का नुकसान पहुँचाया, इसी तरह से और भी तमाम बैंकों के घोटाले हुए। आज पूरे देश में जो 135 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, जिसमें करीब 15 से 20 करोड़ के लोग जो है बेरोजगार हैं, उनके बारे में सोचा, चूँकि देश के विकास की उन्होंने बात कही है कि उसकी ज़रूरत तो है, लेकिन देश के नौजवान बेरोजगारों की भी तरफ देखना पड़ेगा। आज बेरोजगारी बड़ी चरम सीमा बढ़ रही है और देखने मिल रहा है कि एक तरफ विकास तो हो रहा है जो बैंकों के या सरकारी जो सेक्टर के, चाहे आपका रेलवे हो या अन्य संस्थान हो, जो निजीकरण हो रहा है उससे देश के लोगों में बड़ी निराशा और हताशा हो रही है। उनसे केवल यही कहा जा रहा है कि जब प्राइवेटाइजेशन होगा वहाँ आरक्षण खत्म हो जाएगा, और लोगों को कहा जाएगा कि आप जो है मनरेगा में काम करो और पकौड़ा तलो, तो देश के लोग जो नौजवान हैं, जो देश की बड़ी सेना है, वो कहाँ जाएगी। ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में जो है इनके शेयर दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि ग्रामीण बैंकों से लगा करके, क्योंकि कोई भी जो उद्योगपति होता है या जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं कभी घाटे के लिए काम नहीं करती हैं, वो नफा के लिए काम करती हैं। बड़ी कंपनियाँ आए ठीक है, देश का विकास होना चाहिए, लेकिन देश के जो बेरोजगार हैं, यहाँ देश के लोग हैं जो चाहते हैं सरकारी, उस पर ज़्यादा विश्वास है उनका, तो उसमें उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि इस बिल में जो सबसे बड़ी बात हमने कही है कि सब जांचों से बाहर रखा गया है, इसलिए इसको सेलेक्ट कमेटी भेजने की आवश्यकता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।